एक मन का बात था और बहुत सारे लोगों का मन का क्वेश्चंस भी है यार ये चीज़ कि भैया प्लेसमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा लक पे डिपेंड करता है इतना मेहनत करते हैं फिर भी कुछ होता नहीं है जो तो कि बात कहीं ना कहीं देखो सही है आज के टाइम पे हर बच्चा अपने एंड से मेहनत कर रहा है चाहे वो जैसे भी कर रहा है उसको जितना आता है उस हिसाब से कर रहा है जितना जानता है जितना कर सकता है वो इंसान कर रहा है जो कि बहुत सही चीज़ है और अच्छी चीज़ है लेकिन जब बात आती है प्लेसमेंट्स पे ना तो हर बच्चा एडिट भगवान के पास बोलता है कि भगवान बस इस कंपनी में दिलवा दो उसके बाद मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए मैं ये प्रॉब्लम सच में फील कर सकता हूँ आप सोचते हैं ना मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक टाइम पे इस फेस से निकला हूँ पॉइंट इतना सा है ना उस बीच में बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं कि भैया हमारा अब कहीं नहीं हो सकता क्योंकि हमने कुछ नहीं जानते और दूसरे वो लोग होते जो हिम्मत ही नहीं हारते देवर लाइक चाहिए तो चाहिए बिकॉज घर में कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज वी जनरली बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली और हमें हमें फैमिली को सपोर्ट करना है और उससे बड़ी चीज़ हमारी भी खुद की एम्बिसंस है ड्रीम्स है वी वॉन्ट कि हमने इतने पैसे खर्च किए इंजीनियरिंग में तो जॉब तो चाहिए भाई प्लेसमेंट तो चाहिए और वो चीज़ उनके मन में, में रह जाता है वो कंसिस्टेंट रहते हैं क्या उनको सब कुछ आता है नहीं लेकिन वो कंसिस्टेंट रहते हैं उनको हो जाता है कैसे हो जाता है भाई उनको तो कुछ नहीं आता हमारे साथ स्टार्ट किया था क्योंकि उनको पता है कि कंसिस्टेंट रहने में उनको थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को ठीक करने में बिकॉज हमारा बैकग्राउंड नहीं है हमारे कोई बड़े भाई बहन नहीं जिनको वो हमें सिखा रहे कि भाई रेज्यूमे ठीक कर लो भाई ये चीज़ गलत है उसको चीज़ पता कर लो या फिर इस कंपनी में चलो जाओ वहाँ डायरेक्टली प्लेसमेंट हो जाता है ऐसा कुछ नहीं पता होता हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हमारा रेज्यूमे ख़राब है रेज्यूमे भी ठीक से बनाया जाता है तो फिर रेज्यूमे पर वर्क करते हैं हमें पता चलता है हमारे पास रेजूमे में डालने के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं है तो हम सोचते हैं कि रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स बनवा पहले तो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए क्या सीखना पड़ेगा फिर वो चीज हम सीखते हैं पढ़ते हैं समय लगता है इन सारी चीज़ों में ठीक है ऐसा नहीं होता है कि हमने कुछ भी कहीं से चेप दिया और हमारा चीज़ें हो जाएगा उसी बीच में बहुत सारे लोग जो मेहनत कर रहे हैं जो हार नहीं मान रहे वो समय देते हैं खुद पे कि भाई मुझे डी भी नहीं पता है डीएसए तो बेसिक है आज के टाइम पर अगर आप कोई भी इंटरव्यू में बैठो पहला एक दो राउंड तो सबको डीएसए में निपटा देंगे तो डीएसए नहीं आता चलो डीएसए पढ़ते हैं पॉइंट इज डैट कि हमें एफर्ट करना पड़ता है हमें ऐसा नहीं होगा कि हमने कॉलेज में पढ़ा चार साल और एड डिट हमारा प्लेसमेंट लग जाए क्यों लग जाए भाई क्योंकि हमने इंजीनियरिंग की डिग्री है हमारे पास नहीं भाई आपके पास स्किल्स होना पड़ेगा इवन जो लोग ये सारा प्रोसेस फॉलो कर भी रहे होते हैं ना उनको खुद नहीं पता होता कि हमारा एड हो जाएगा लेकिन वो बस एक विश्वास से कर रहे होते हैं कि भाई और सब लोगों ने यही प्रोसेस किया है और अगर ये नहीं करेंगे तो और फिर क्या ही कर सकते इससे बेटर चलो करते हैं करते करते एड डेंट उनको अपनी गलतियाँ का एहसास होता है कि भैया ये चीज हम गलत कर रहे थे इसको ऐसे सही करो तो वो चीज़ ठीक करते चले जाते हैं एक जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना हमारे दिमाग में मिथ बहुत ज्यादा है मिथ क्या है कि हमें पहला कंपनी गूगल ही चाहिए क्यों चाहिए कोई रीजन नहीं है बस चाहिए या फिर हमें जो पहला कंपनी चाहिए या पहला पैकेज है बहुत बड़ा पैकेज चाहिए फलाना का तो देखो साठ लाख का चालीस लाख का पच्चीस लाख का बीस लाख का पैकेज लग गया हमारा तो भाई सात लाख पांच लाख छः लाख ही दे दे तो हमें बहुत छोटा लग रहा है हमें लग रहा है कि हम क्यों जाएं इसमें लेकिन एज ए फ्रेशर्स आपको जो मिल रहा है आप लो क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो ना तब आपके पैकेजेस बढ़ जाते हैं फिर आपका प्रीवियस कॉलेज का काउंट नहीं देखा जाता फिर देखा जाता है कि आपने इंडस्ट्री में कितने साल पैर टिकाए हैं कितना काम किया है क्या काम किया है जो कि आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है अभी हमारे पास फियर क्या रहता है भाई हम टायर थ्री से हैं टायर टू से टायर फोर से ठीक है लेकिन जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो कहीं कंपनी में तो फिर आपको कॉलेजेस का मैटर नहीं करता राइट देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए हम सेटल करने के लिए नहीं कह रहे आपको हम एफर्ट करने के लिए कह रहे हैं जब मेरी पहली जॉब स्टार्ट की थी मैंने सात लाख में स्टार्ट की थी बहुत लोगों के लिए ज़्यादा होगी बट एक्चुअली मैं सात लाख इज़ लाइक ए एवरेज काइंड ऑफ पैकेज जो लगता है कॉलेज के बाद ठीक है मैंने हाथ पैर मारा एफर्ट किया डी और प्रैक्टिस किया डेवलपमेंट सीखा और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए ठीक सिक्स मंथ बाद मैंने स्विच कर लिया अराउंड इसके थर्ड टाइम पैकेज पे मतलब जिस पैकेज पर था उसके तीन से साढ़े तीन गुना पैकेज पे मैंने स्विच किया था मैं वहां पे भी सेटल नहीं किया फिर से मैंने फाइट किया और ठीक से आठ महीना बाद आठ मंथ बाद मैंने जिस पैकेज पर राइट नाउ था उस पर फिर मैंने डबल पैकेज पे उसके टू टाइम्स पैकेज फिर मैंने स्विच किया ठीक है तो इट्स अ काइंड ऑफ जर्नी एकदम शॉर्ट से शॉर्ट वे में ठीक है पॉइंट बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ ना हमारे मित्र दिमाग में क्या है कि हम जाएंगे तो पहला बड़ा कंपनी जाएंगे वरना नहीं जाएंगे ऐसे तो हमारी इज्जत छोटी हो जाएगी कि भैया तुम कहाँ चले गए भाई ऐसा नहीं होता मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो स्टार्ट बहुत छोटी कंपनी से करते हैं कम पैकेज में करते हैं बट डाउन दी लाइन दो से तीन साल के बाद वो चालीस पचास लाख पे आराम से खेल रहे होते हैं द रीज़न बिहाइंड इट कि उनको पता चल चुका होता है कि इंडस्ट्री में टिकने रहने का फायदा क्या है अब उनका जो काउंट है एज ए इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है ना कि उनका कॉलेज के बेसिस पे होता है अब एक चीज थोड़ा और समझा करो भाई कि जिन लोगों का पैकेज हम देखते हैं ना अच्छा लग गया या बहुत लोग सोचते हैं कि फ़ारेन में एक करोड़ का पैकेज लग गया या फिर हम देखते हैं कि भाई इसका तो इंडिया में ही चालीस पचास लाख का पैकेज लग गया अब उनकी बैकग्राउंड तो देखो कि वो किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं अब देखो वो उन्होंने कितना मेहनत किया है फिर आप देखो कि क्या वो इमीडिएट कॉलेज के बाद लगा है उनका उतना पैकेज कि कुछ साल इंडस्ट्री में रहे हैं फिर लगा है ये सारी चीज देखा करो बस ऐसा मत देखा करो अरे भाई इसको चालीस लाख का पैकेज लग गया अरे बाप रे बाप चालीस लाख का पैकेज लग गया अब तो कितना महान हो गया कितना बड़ा चीज उसने अचीव कर लिया नहीं थोड़ा देखो थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जाना करो कि उसकी चीजें क्या है उसके साथ में कोई बड़ा भाई बहन था चीजें क्या थी बहुत सारी चीजें होती है बस एक फैक्टर नहीं होता है कि आप जिस पाथ में चले उसी पाथ में उसने चला उसका चालीस लाख का लग गया और आपका कहीं नहीं लगा ऐसा कभी भी नहीं होता चीजें बहुत अलग अलग होती है हमारा क्या होता है ना हम हमेशा कंपेयर करते हैं किसी दूसरे के लाइफ के टेंथ चैप्टर से अपने लाइफ के फर्स्ट चैप्टर को मैं हम हाँ मोटिवेशन नहीं दे रहा मैं बस ये बता रहा हूँ ना कि हमेशा ऐसा कंपेयर करने मत बैठ जाएगा तो दूसरे से यार भाई उसका तो इतना लग गया अरे आपका भी लग जाएगा भाई थोड़ा समय तो दो ट्रस्ट में यार एक ही लाइफ है जो कि मिली है उसको बेहतर बनाने के लिए ना कि कंपेयर करके लाइफ खत्म कर देने के लिए यार उसका इतना लग गया वो वहाँ चला गया धीरे धीरे लाइफ बेहतर बनाएंगे हम जिस बैकग्राउंड से थे उससे तो बेटर कर रहे हैं ये अच्छी चीज है हम और बेटर करेंगे लेकिन थोड़ा अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करना सीखो थोड़ा देखो कि आप कहा लाइक कर रहे हो जो चीज़ें आप बाद में सीखोगे गलतियाँ करके इट्स बेटर टू राइट नो अभी सीख जाओ रेज्यूमे बना लो प्रोजेक्ट्स बना लो कोई डेवलपमेंट सीख लो सच में स्किल्सफुल्स बनो जितना स्किल्स अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो अगर आप स्किलफुल बनना चाहते हो नहीं समझ में आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें मैं आंख बंद करके एक बात कहना चाहूँगा कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो मेरे चैनल पे जाओ नोट का प्लेलिस्ट पूरा खत्म कर दो दस दिन के अंदर आराम से हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है दस दिन मैक्सिमम लगेंगे अगर ढंग से बैठ के डेडिकेटेड वे में खत्म करोगे तो कुछ भी प्ले रिक्वेस्ट नहीं है बस प्लेलिस्ट खोलना है स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख जाना है डेट से सच बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है जीरो रुपीज चार्ज है फ्री है यूट्यूब पे लेकिन वहां से कॉन्फिडेंस आएगा आपको वहां से समझ में आएगा चीजें वर्क कैसे कर रही है फिर डीएसए पे उतरो फिर डीएसए करो, 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 लिस्ट करो फिर वहां से लीट कर तो करो क्वेश्चन सॉल्व करो धीरे धीरे एफर्ट करो देखो रेज्यू में क्या कमी है रेज्यू फिक्स करो यहाँ से आप धीरे धीरे अपने आपको इस स्किल्स को सुनाओगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई लक वक कुछ नहीं होता सब हंड्रेड परसेंट होता है नहीं भाई एक परसेंट लग तो होता है मानो चाहे मत मानो धीरे धीरे इंडस्ट्री में ये भी समझ में आ जाएगा आपको लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस एक परसेंट लग खराब होगी तो चीजें खराब हो जाएंगी अरे थोड़ा और एफर्ट लगेगा हमारे लिए थोड़ा रास्ता और टफ हो जाएगा बट एफर्ट ज्यादा डाल दे आप अपनी मेहनत से इस चीज़ को कवर अप कर सकते हो कोई बड़ी चीज नहीं है यार मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज में लास्ट लास्ट राउंड पे जाके मेरा डाउनफॉल हुआ है कि भाई आपको रिजेक्ट कर दिया गया विदाउट नो रीजन ठीक है ऐसा बहुत बड़ा झटका भी लगता है लेकिन डैट फाइन वो चीज आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा वो चीज बाद में पता चलेगा अच्छा वसाला उसमें नहीं हुआ इससे बेटर जगह पे हम ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी लेकिन थोड़ा पाथ चलो तो थोड़ा डरो मत ए आई आ गया जॉब खा जाएगा ये चीज़ अरे नहीं होगा इतना आसानी से पूरा इकोनॉमी कोलेप्स नहीं कर जाएगा ए आई के आने से तो थोड़ा सा हिम्मत रखो थोड़ा सा देखो कि हर चीज़ लक नहीं होता थोड़ा सा एफर्ट डालो अपने आप को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ बस मैं बात बाकी जो अल्टीमेट थर्ड पावर जो जिस भी गॉड को आप मानते हैं वो आपके साथ है यार आप उस चीज़ को ऐसा मत सोचो कि चीज़ें खराब हो जाएंगी एट हमारा नहीं होगा होगा अब एफर्ट करो विश्वास रखो एंड ट्रस्ट भी अपने आप को फिक्स करो रोज बाय रोज जो भी आपके अंदर कमी है चीजें एट दिन बहुत अच्छी जाएंगी तो थैंक्स अलॉट यार वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या क्या आप सोचते हो या क्या आप किस वीडियो को देखने से बदलाव आया या आप क्या किस तरह का वीडियोस मेरे से चाहते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो नोट जी जरूर जाकर देखो नहीं देखा है तो लाइफ चेंजिंग चीज चीज़ होने वाली है आपके लिए तो, तो थैंक्स अलॉट यार मिलते बाय बायोन तो तो